हेलो एवरीवन, दिस इज स्मिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैजिक ऑफ स्पाइसेस। पता है मेरे लिए ना हर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और हर रिलेशनशिप की अपनी एक खूबसूरती है। तो पता है रिलेशनशिप की बात चल रही है, रिलेशंस की बातें चल रही है, तो अराउंड द कॉर्नर रक्षाबंधन आ रहा है। और ये जो सिबलिंग बॉन्ड होता है, जो भाई भाई बहन का बॉन्ड जो होता है ना, इट्स वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल। पता है जो हमारी बॉन्डिंग होती है ना भाई बहन की या सिबलिंग की आपस में, वो एकदम टॉम एंड जेरी की तरह होती है। वी फाइट विद ईच अदर, बट टाइम आने पर वी फाइट फॉर ईच अदर। कोई बाहर का बंदा आके तो बोल के तो कुछ जाए मेरे भाई को तो ऐसी वाली फीलिंग होती है। तो इस बहुत खूबसूरत से रिश्ते को, इतने मिठास से भरे रिश्ते को एक मीठा बना के सेलिब्रेट करते हैं। रिश्तों में मिठास जब आती है जब हम प्यार से और कुछ मीठा बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम, मैं अपने स्पेशल भाई के लिए क्या स्पेशल बनाने जा रही हूँ, और आप सब भी अपने अपने भाइयों के लिए वो चीज ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन। तो ये है हमारी इजी पीजी मिल्क मावा बर्फी, बट सुपर डिलीशियस। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो भी शुगर है ना, आप उसको पाउडर कर लीजिए, और वी नीड 1 कप पाउडर्ड शुगर। एंड आफ्टर शुगर वी विल नीड 2 कप्स मिल्क मावा पाउडर। सो 1 कप शुगर, 2 कप मिल्क मावा पाउडर। इसके बाद हम 1/4 कप घी लेंगे एंड 3/4 कप मिल्क ठंडा। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें सबसे पहले मैंने घी डाला है और उसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद मैंने उसमें जो हमारा 3/4 कप मिल्क था ना, वो भी मिक्स कर दिया है, और इसको हम अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद जो हमारे पास मिल्क मावा पाउडर है ना, उसको अब हम मिक्स करेंगे। जो हमारा 2 कप पाउडर है वो पूरा डाल दिया है, और अब बारी आती है सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने की। तो जिससे कि पाउडर, मिल्क मावा पाउडर, मिल्क एंड घी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे एक दूसरे के साथ। और जो गैस की फ्लेम है ना, वो एकदम मीडियम रखना है, क्योंकि यदि हमने थोड़ा भी फास्ट होगी ना फ्लेम, तो ये पूरा जल जाएगा। तो मेक श्योर फ्लेम जो है वो बहुत धीमे से चलती रहे और ये भुनता रहेगा। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं, तो हम इसमें शुगर भी मिक्स कर देंगे। शुगर को डाल के भी हमको भूनना है, और उसके बाद आप देखेंगे इसका कलर कितना धीमे धीमे और प्यार से चेंज होता है। किसी भी मिठाई को बनाने में ना, जो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है वो या तो भूनने में लगती है, और या तो उसको फ्राई करने में लगती है। तो इसमें हमको भूनने में थोड़ी मेहनत लगेगी, और इसको हम स्लो मीडियम गैस पे भूनते रहेंगे। और अब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट मेरे को 6 to 7 मिनट हुआ है, और हमारा ये कलर चेंज होता जा रहा है, जो हमारा मिल्क पाउडर है उसकी वजह से, और जो शुगर डाला है उन सबकी वजह से ना कलर कितना प्यारा होता जा रहा है। अब इसको भूनते भूनते ना, इसकी हीट की वजह से शक्कर भी अपना प्यार से पानी छोड़ने वाली है, और हमको ये वाली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। अभी हम इसको भूनते रहेंगे, रक्षाबंधन का टाइम है, भाई के लिए बना रहे हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे। तो हमको ऐसा चाहिए जब ये पैन जो है वो इसको छोड़ दे और ये अपने आप अलग होने लगे। तो अभी थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर होएगा। अब मुझे ना ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स हो गए हैं इसको भूनते हुए, और आई थिंक अभी आप देख लीजिए कैसे अपने आप अलग हो रहा है ना। तो इट्स ऑलमोस्ट रेडी। तो अब हम सोच सकते हैं कि ये हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। और अब प्यार से ना मैं खुशबू डालने के लिए इसमें थोड़ा इलायची पाउडर या कार्डमम पाउडर जिसको बोलते हैं, वो डाल रहे हैं। और अब हमने इसमें इलायची पाउडर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और ये रेडी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, और पर इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि पैन अभी भी बहुत गर्म है। मैंने थोड़े प्यार दिखाने के लिए ना इसको केसर को दूध में भिगो के रखा था। एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए,
पर फेस्टिवल सीजन चल रहा है, भाई का त्यौहार है, डाल दीजिए। इतनी सुंदर खुशबू आ रही है ना, और कितना प्यारा कलर आया है, वाह वाह, भाई तो आज खुश होने ही वाला है। अब साइड में एक डिश को मैंने अच्छी तरह से घी इसमें लगा दिया है, और ये जो हमने हमारा जो बर्फ़ी का मिक्सचर रेडी है इसको मैं इसमें पोर करूँगी और 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूँगी। तो अभी जो भी आपके भाई के या बहन के फेवरेट ड्राई फ्रूट्स है ना, वो भी इसमें डाल दीजिए, तो और भी ज़्यादा प्यार दिखेगा और खुश भी हो जाएंगे वो लोग। एंड उसके बाद जो भी उनका फेवरेट शेप है ना, आप कुकी कटर से भी इसको काट सकते हैं, पर मैं सीधे सीधे स्क्वायर में काटती हूँ, बिकॉज़ मेरे भाई को वही शेप पसंद आएगा बर्फ़ी का, तो मैं उसी शेप में काटती हूँ। और इतनी सॉफ्ट बनी है ना, मैं भी आपको हाथ में उठा के दिखाती हूँ, सॉफ्ट एंड बहुत डिलीशियस है। हाँ, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल एंड ईजी है। आई एम सो हैप्पी, पता है इतना सॉफ्ट है और इतना अच्छा दिख रहा है, इतना सुंदर कलर आया है, और कितना जल्दी बन जाता है फट से। रक्षाबंधन के लिए भाई या बहन को खुश करने की फेवरेट मिठाई है ये, आप बनाइएगा ज़रूर। तो है ना कितनी प्यारी, कितनी मीठी और कितनी सिंपल रेसिपी। पता है सिर्फ ये रेसिपी ना बहनों को भाइयों के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, भाई भी अपनी बहन लोगों के लिए बना सकते हैं, इतनी इजी रेसिपी है। पता है मिठास लाने के लिए रिश्ते में ना कौन क्या कर रहा है डजंट मैटर, पर प्यार से करना और सेलिब्रेशन करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी किसी के लिए बनाए, पर सेलिब्रेशन प्यार से कीजिएगा और रिश्तों में मिठास लाइएगा। तो चलिए अगली रेसिपी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे। अरे हाँ, उसके पहले ना मेरे चैनल द मैजिक ऑफ स्पाइसेस को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब करते रहिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।